जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमारा सीरीज चल रही है, हिंदी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी सीरीज चल रही है और ये पार्ट 3 है। और आपने इससे पहले पार्ट 2 देख लिए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं का संकलन किया गया है और टोटल 5 पार्ट डलना है। 100-100 रचनाएँ एक वीडियो में संकलित की गई हैं और इस प्रकार से 5 पार्टों में 500 रचनाओं का संकलन किया जाएगा। तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, और जहां पर याद करने की ट्रिक निकलती है, ट्रिक बनती है, वहां पर हम ट्रिक बताने का भी प्रयास करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों। और हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो दलपति विजय जो हैं वो कुमार रासो के रचनाकार हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी दल को जीत ले तो उसे गुमान हो जाता है, गुमान है ना, तो अपन गुमान से खुमान लेंगे। कुमार रासो दलपति विजय जी की रचना है। खालकबारी किसकी रचना है? तो खालकबारी के रचनाकार हैं दोस्तों अमीर खुसरो। इस प्रकार से खालकबारी के रचनाकार हो जाएंगे अमीर खुसरो, याद रखना। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। विद्यापति की दो अन्य रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, है ना, पदलता पताका, इस प्रकार से याद कर लेंगे। पदलता पताका इनकी रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, इनको याद रखना है, विद्यापति जी की है। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो परमाल रासो के हैं जगनिक। आपको पता होगा कि चोर लोग क्या करते हैं, परमाल मतलब दूसरे के माल को, दूसरे को सामान को चुराते हैं, मतलब वो रात में जगते हैं। तो जगनिक परमाल रासो है ना, दूसरे के माल को चुराने वाले रात में जगते हैं, तो जगनिक हो जाएंगे परमाल रासो जगनिक। ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? तो कुशल लाभ की है। ढोला मारूरा, ढोला से क्या आ जाएगा, ढोल, ढोल जो बजाते हैं उन्हें लाभ जरूर होता है, तो कुशल लाभ है ना, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की रचना हो जाएगी, याद कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो के रचनाकार हैं? तो नल से हैं। जी हाँ दोस्तों, विजय प्राप्त करना है तो नल उखाड़ देना है, जैसे सनी देओल ने उखाड़ दिया था ना उस फिल्म में, नल उखाड़ दिया। तो विजय प्राप्त करना है तो नल से हैं, है ना, विजयपाल रासो नल से हैं। जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की है। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। वर्ण रत्नाकार के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकार इसके रचनाकार हैं दोस्तों ज्योतिषो ठाकुर। अब वर्ण, वर्ण से क्या समझ में आया आपको, वर्ण होते ना आ ई ऊ ए, वर्ण, वर्णमाला, हम वर्णमाला पढ़ते वर्ण, तो वर्ण को आप ज्योति में पढ़ोगे, ज्योति, ज्योति के उजेले में पढ़ोगे कि अंधेरे में पढ़ोगे, ज्योति में पढ़ोगे ना, तो ज्योति में, तो वर्ण रत्नाकार ज्योतिषो ठाकुर, क्योंकि हमें वर्ण जो पढ़ना है वो ज्योति में पढ़ना है। रावल बेल किसकी कृति है? रोड़ा कवि की है। जी हाँ दोस्तों, रावल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की, याद रख लेना। उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार कौन है? तो उज्ज्वल, उज्ज्वल मतलब क्या होता है, अब बोलते ना कि उज्ज्वल रूप, उज्ज्वल मतलब होता है सुंदर, है ना, तो उज्ज्वल नीलमणि की रचनाकार कौन होंगे? रूप गोस्वामी, हम वैसे भी बोलते हैं कि आपका उज्ज्वल रूप है ना, तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, इस प्रकार से याद कर लेंगे। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु हैं हिंदी नवरत्न। अब नवरत्नों को मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, मिश्र हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे, तो हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु की रचना हो जाएगी। पृथ्वीराज विजय की रचनाकार कौन है? तो जयानक है, पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वी को जिसने विजय प्राप्त कर ली पृथ्वी पर, उसकी क्या होगी, जय जयकार होगी, मतलब पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन होंगे, जयानक होंगे, जयानक है ना। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये धनपाल जी की रचना है भविष्यत कहा, और आपने देखा होगा कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए धन का संग्रह करता है, धन जोड़ता है, तो भविष्यत कहा धनपाल की हो जाएगी, क्योंकि भविष्य के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, है ना। पहाड़ दुहा के रचनाकार कौन है? तो पहाड़ दुहा राम सिंह के हैं। पहाड़ मतलब पहाड़, जंगलों में पहाड़ रहते ना, पहाड़, तो जंगल कौन गए थे, वनवास किसको हुआ था, राम को हुआ था, तो पहाड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हो जाएंगे। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है। आपने देखा होगा कि पहले के समय में संदेश भेजना बड़ी कठिन बात थी, लेकिन अब दूर नहीं संदेश भेजना, अब दूर नहीं, एक बटन क्लिक करो संदेश तुरंत सेंड हो जाता है,
तो अब्दुल रहमान अब दूर नहीं है, संदेश भेजना, संदेश रासक अब्दुल रहमान जी की रचना हो जाएगी। महापुराण की रचनाकार कौन है, तो पुष्प दंत है। महापुराण, महापुराण पर हम क्या जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, तो महापुराण के रचनाकार कौन हो जाएंगे, पुष्प दंत हो जाएंगे। पयोमचर्यु किसकी रचना है, तो ये स्वयंभू की है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई पयोमचर्यु के रचनाकार कौन है, तो स्वयंभू जी है, याद रख लेना इसको। सूरसागर के रचनाकार है, तो सूरसागर के रचनाकार है दोस्तों सूरदास जी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरसागर जी, याद रख लेना। रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो नंददास जी हैं। रास पंचाध्यायी नंददास जी, अगर कृष्ण काव्यधारा में सूरदास जी के बाद नंददास जी का ही नाम आता है, तो रास पंचाध्यायी नंददास जी की रचना है। चौरासी वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है, तो गोकुलनाथ हैं। जी हाँ दोस्तों, चौरासी वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दो रचनाएं गोकुलनाथ की और कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, इनको याद कर लेना आप। रुक्मणी मंगल के रचनाकार कौन है, तो नंददास जी हैं, याद रखना। रुक्मणी मंगल है, जानकी मंगल नहीं है, जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचना है, रुक्मणी मंगल नंददास जी की रचना है, याद रखो इसको। उद्धव शतक किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। उद्धव शतक की रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अध्यात्म रामायण की रचनाकार कौन है, अध्यात्म रामायण जो है माधवदास की रचना है, माधवदास अध्यात्म रामायण के रचनाकार हैं। और वृत्त कौमोदी किसकी रचना है, तो मतिराम, मतिराम जी की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है वृत्त कौमोदी मतिराम जी की। छंदमाला के रचनाकार हैं, तो केशवदास जी हैं, छंदमाला केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है छंदमाला, याद रखना। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये सारी की सारी जो रचना है केशवदास की है, छंदमाला भी इन्हीं की है केशवदास की। इश्क नामा के रचनाकार कौन है, तो बोधा कवि है। बोधा इश्क में क्या है, बोधा बनना पड़ता है, क्या बनना पड़ता है, बोधा इश्क नामा बोधा कवि की। घनानंद ने कहा है कि प्रेम में तनक सी चालाकी नहीं चलती है, है ना, तो इश्क नामा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, बोधा कवि हो जाएंगे। श्रृंगार बत्तीसी के रचनाकार हैं, तो द्विजदेव हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार बत्तीसी द्विजदेव जी की रचना है, हैं। प्रेमचंद्रिका किसकी रचना है, तो देव कवि की है प्रेमचंद्रिका, है ना। संसार में बोलते हैं कि प्रेम देव, प्रेम देव संसार में, प्रेम देव, प्रेम ही सबसे बड़ा है, तो प्रेमचंद्रिका देव कवि की है। जय भारत के रचनाकार कौन है, तो मैत्रेय गुप्त जी हैं। जय भारत, हमेशा इन्होंने भारत की जय बोली, इसलिए राष्ट्र कवि कहलाए मैत्रेय गुप्त जी, तो जय भारत के रचनाकार मैत्रेय गुप्त हो जाएंगे। स्वप्न मानसी पथिक मिलन के रचनाकार कौन है, तो स्वप्न मानसी पथिक और मिलन के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी, है ना। स्वप्न मानसी पथिक और मिलन के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी है। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है, तो सियाराम शरण गुप्त जी हैं। सियाराम शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मौर्य विजय, याद रख लेना इसको। मौर्य विजय के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त। हेमतरंगड़ी के रचनाकार हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। हेमतरंगड़ी आपको पता होगा कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस रचना के लिए, हेमतरंगड़ी के लिए, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है हेमतरंगड़ी, है ना। अपलक और क्वासी के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है अपलक और क्वासी, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं अपलक क्वासी। कानन कुसुम किसकी रचना है, तो कानन कुसुम ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कानन कुसुम, कानन कुसुम याद रखने ना, कानन कुसुम झरना आंसू कामायनी, है ना, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो जयशंकर प्रसाद जी की है। नैपत्य के रचनाकार है, नैपत्य के रचनाकार है निराला। नैपत्य किसकी रचना है, निराला, है ना, जब जो नैपत्य निकलते हैं वो निराले ही होते हैं, तो नैपत्य के रचनाकार हो जाएंगे निराला। मधुशाला के रचनाकार कौन है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला, है ना, याद रख लेना। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। और प्रभात फेरी किसकी रचना है, तो नरेंद्र शर्मा की है, नरेंद्र शर्मा नरेंद्र शर्मा साहब की है प्रभात फेरी, है ना। अगली रचना है मधुलिका, मधुलिका की रचनाकार का नाम बताओ, तो मधुलिका के जो रचनाकार हैं वो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं, याद रखने ना। रामेश्वर शुक्ल अंचल को मांसलवाद, मांसलवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है, ये चीज भी याद रखना, मांसलवाद का प्रवर्तक। हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं, लेकिन मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, इसको याद रख लेना। निहार रश्मि नीरजा सांदगीत, है ना, ये किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा जी की है। निहार रश्मि नीरजा सांदगीत और दीप शिखा,
इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी की याद रख लेना। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन महाकाव्य सुमित्रा नंदन पंत का है ना, क्योंकि लोक में सुमित्रा, सु मतलब अच्छा और मित्र मतलब मित्र, अच्छे मित्र नहीं मिलते, सुमित्र सुमित्रा नहीं मिलते लोक में, तो लोकायतन सुमित्रा जी की हो जाएगी। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, और केदारनाथ उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी वहीं पर है ना, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ जी जाएंगे हम। प्यासी पथराई आंखें के रचनाकार हैं नागार्जुन है। प्यासी पथराई आंखें, आपने देखा होगा कि जब नाग दिख जाता है किसी को तो गांव में क्या करते हैं, उसको पत्थर मांगने मारने लगते हैं आदमी, तो प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन याद कर लेना इसको। प्रलय सृजन किसकी रचना है, तो शिव मंगल से सुमन की है ना, क्योंकि प्रलय और सृजन ये सब शिव की कृपा से होते हैं, प्रलय और सृजन भी। और आपने पढ़ा होगा सृजन के सेतु कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी की है, याद रख लेना। प्रलय सृजन शिव मंगल से सुमन। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है, तो त्रिलोचन की है, त्रिलोचन साहब की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन। राह के दीपक किसकी रचना है, तो रांगे राघव साहब की है, राह के दीपक। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे राह के दीपक तो कौन है, रांगे राघव है ना। रघुवीर बोलते ना श्री राम को, रघुवीर तो राघव, तो राह के दीपक हमारे रघुवीर होते हैं, राम होते हैं, हमारी सहायता करते हैं, इस प्रकार से राह के दीपक रांगे राघव। चांद का मोह टेढ़ा के रचनाकार है मुक्तिबोध। जी हाँ दोस्तों, चांद का मोह टेढ़ा है, और चांद के मोह टेढ़ा है तो उससे मुक्ति दिला दो, इस प्रकार से है ना। शिलापंख चमकीले किसकी रचना है, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की ये रचना है शिलापंख चमकीले। अगर आपको शिलापंख चमकीले दिख जाए तो आप क्या कहेंगे कि गिर जाते अगर, तो गिरजा कुमार माथुर शिलापंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। आंगन के पारद्वार के रचनाकार का नाम बताओ, तो अज्ञेय जी। आंगन के पारद्वार, द्वार किसे बोलते, दरवाजों को बोलते द्वार, तो आंगन के पारद्वार, किसी ने पूछा आपसे कि आंगन के पारद्वार कितने हैं, आपने कहा अज्ञेय, ज्ञात नहीं है, है ना, तो आंगन के पारद्वार अज्ञेय। संशय की एक रात के रचनाकार है नरेश मेहता जी। संशय की एक रात नरेश मेहता, संशय की एक रात। क्वानो नदी किसकी रचना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल, सर्वे हो रहा था नदियों का सर्वे, तो क्वानो नदी जो है इनका क्या चल रहा था, सर्वे, तो क्वानो नदी के कौन हो जाएंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की है। दोस्तों आपने देखा होगा कि व्यक्ति कितना ही गुस्सा हो, कितना ही कुछ हो, जब धर्म की शरण में आता है तो उसका लोहा ठंडा हो जाता है, तो ठंडा लोहा किसकी रचना होगी, धर्मवीर भारती की हो जाएगी। गीत फरोज के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। हम गीत कहाँ गाते हैं, भवानी के मंदिर में गाते हैं कि नहीं गाते, तो गीत फरोज के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे गीत फरोज। काठ की घंटिया के रचनाकार हैं, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमने बोला कि जाओ पता करके आओ कि मंदिर में काठ की कितनी घंटियां लगी हैं, सर्वे करके आओ, तो काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना हो जाएगी। काल तुझसे होड़ मेरी के रचनाकार हैं, तो शमशेर बहादुर जी की रचना है काल तुझसे होड़ मेरी, क्योंकि अगर आपको शेर मिल जाए तो फिर क्या है, काल मिल गया समझो, तो काल तुझसे होड़ मेरी शमशेर बहादुर, तो शेर से होड़ होगी आपकी। अकाल में सारस के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस, अकाल पड़ा था कहाँ पर, केदारनाथ सिंह में, वो क्या बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी, अकाल ही कहो उसको, तो अकाल में सारस के रचनाकार केदारनाथ सिंह, केदारनाथ में आई थी बहुत भयंकर बाढ़। बोधि वृक्ष के रचनाकार हैं, तो जगदीश गुप्त हैं बोधि वृक्ष, है ना, बोधि वृक्ष जगदीश गुप्त। आत्मजय के रचनाकार कौन है, तो कुंवर नारायण। कुंवर जो लोग रहते हैं वो आत्मजय रहते हैं, अपने आप में कंट्रोल रखते हैं कुंवर लोग, तो आत्मजय होते हैं कुंवर, तो कुंवर नारायण आत्मजय। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है दोस्तों उसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ, है ना। आदर्श सिंधु के रचनाकार कौन है, तो लज्जाराम मेहता, आदर्श सिंधु लज्जाराम मेहता। और भागवती के रचनाकार कौन है, तो श्रद्धाराम फुलवरी भागवती। और हम भाग्य पर ही श्रद्धा रखते हैं, कहते हैं कि जैसा भाग्य होगा, जितना भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा, तो हमारा हमारी जो श्रद्धा होती है वो कहाँ पर होती है, भाग्य पर होती है, तो भागवती के रचनाकार कौन हो जाएंगे, श्रद्धाराम फुलवरी हो जाएंगे।
है ना। नूतन ब्रह्मचारी की नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है तो ये किसका है, बालकृष्ण भट्ट साहब का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट याद रख लेना, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की उपन्यास है। श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं तो ठाकुर जगमोहन से हैं, जगमोहन मोहन श्याम को भी बोलते थे और श्याम भी बोलते थे, कृष्ण को भी बोलते थे है ना, घनश्याम इस प्रकार से। तो श्यामा स्वप्न जगमोहन से की होगी। सरकटी लास किसकी रचना है तो गोपाल राम गहमरी की, जासूसी उपन्यास लिखे हैं गोपाल राम गहमरी साहब ने, जासूसी उपन्यास के लिए विख्यात हैं। तो सरकटी लास तो गोपाल राम गहमरी जी की ये रचना हो जाएगी। लवंग लता के रचनाकार कौन है तो किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है लवंग लता, याद रख लेना है ना, लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी की। निर्मला किसका उपन्यास है तो आपको पता होगा प्रेमचंद जी का है, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद में एक ही मात्रा नहीं लगी, यहाँ पर लगा लेना आप लोग प्रेमचंद, आप लोग तो समझदार हैं प्रेमचंद में लगा लेंगे क्योंकि प्रेम में तो सभी लगा लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के लिए लोग उग्र हो जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की है। माँ और भिखारिणी उपन्यास है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, दोस्तों एक बात याद रखना कि माँ और भिखारिणी जो है ये विश्वम्भरनाथ शर्मा, क्योंकि माँ का दर्जा विश्व में सबसे ऊपर है ना, और माँ को दर दर मत भटकने देना, ये तो आपका कर्तव्य होता है कि माता पिता की आप सेवा करें, क्योंकि उनसे ही आपका जीवन प्राप्त हुआ। और माँ और भिखारिणी उपन्यास विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की हो जाएगी। इस प्रकार से रिलेट करना है, अपने हिसाब से रिलेट करना है, जिसको जो लगता है उसके हिसाब से याद करना है, जिसको नहीं लगता है, जिसको रिलेट करना अच्छा नहीं लगता तो वो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। गढ़कुंडार किसका उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा जी का है गढ़कुंडार। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा आपको एक बार नहीं हजार बार पढ़ना है, बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ो हजार बार तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। सागर लहरें और मनुष्य के रचनाकार कौन है तो उदय शंकर भट्ट। सागर की लहरों का उदय होता है तो उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे, सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट। जंगल के फूल किसका उपन्यास है तो ये राजेंद्र अवस्थी जी का उपन्यास है, जंगल के फूल बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। उखड़े हुए लोग के रचनाकार कौन है तो राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव याद कर लेना, उखड़े हुए लोग के जो रचनाकार हैं वो राजेंद्र यादव हैं। रात का रिपोर्टर के रचनाकार कौन है, निर्मल वर्मा है। अब रात में जो रिपोर्टर होगा, जो रिपोर्ट लिखेगा रिपोर्ट करेगा, उसको निर्मल बनना पड़ेगा है ना, क्योंकि रात में बहुत डाकू वाकू लोग आते हैं, निर्मलता से काम लो तो रात का रिपोर्टर बड़ा निर्मल होता है, तो निर्मल वर्मा। सीन 75 किसका उपन्यास है तो राही मासूम रजा, राही मासूम रजा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये सीन 75, ये राही मासूम रजा साहब की ये रचना है। सुहाग के नुपुर के रचनाकार है अमृतलाल लांगर, और मैंने कई बार बताया है कि सुहाग के नुपुर और सुहाग प्रत्येक पत्नी को अपना सुहाग जो होता है वो अमृत के समान होता है, तो सुहाग के नुपुर अमृतलाल लांगर भूल कर दिखाना जरा इस रचना को है ना, कभी नहीं भूलोगे दोस्त। त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, जैन लोग जो होते हैं बड़े त्याग याग करते हैं, मैंने ये त्याग दिया मैंने वो त्याग दिया है ना, आपने देखा होगा त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का। काले कारनामे उपन्यास है निराला, अब काले कारनामे कौन करेगा, कोई निराला व्यक्ति होगा, सबसे हटके व्यक्ति होगा जो काले कारनामे करता है, निराला होगा, तो काले कारनामे उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे, निराला जी होंगे। प्रति परिकथा के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। अनामदास का पोता किसकी रचना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये प्रसिद्ध रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें ये जो रचना है वो किसकी है तो उषा प्रियंवदा जी की है ना। उषा में आपको पता होगा कि खंभों पर लाइट जलने लगती है ना, जलती हुई दिखती है और शाम को भी दिखती है इस प्रकार से है ना। तो 55 खंबे लाल दीवाने के रचनाकार उषा प्रियंवदा। आकाश की छत के रचनाकार हैं रामदास मिश्र, आकाश की छत रामदास मिश्र, आकाश की छत से राम के दरस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आकाश की छत से राम के दरस। अब आपके दोस्त का अगर आकाश नाम हो तो उसके आकाश की छत से राम के दरस कर लेना, दर्शन कर लेना। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है भगवती चरण वर्मा की है। अब आप एक बात बताना कि जो भगवती होती हैं पर्वत पर विराजमान हैं
पर्वत पर जाना है तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना होगा, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना हो जाएंगी, भगवती चरण वर्मा की। ऐसे याद कर लेंगे, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के भगवती के चरण छूने जाना पड़ता है हमें। रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई है ना। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा जी को क्या चाहिए, चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। लेडी क्लब और अनारों के रचनाकार कौन है, तो मंजुल भगत हैं। और आपको पता होगा लेडी क्लब में अगर कोई अनारो कर दे, अनारो मतलब क्या है, उदम है ना। अगर कोई लेडी क्लब में अनारो कर दे तो भगत गैल नहीं मिलेगी, इतने पढ़ेंगे तो लेडी क्लब और अनारो के रचनाकार मंजुल भगत, भगत है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे। बेपात्र किसकी रचना है, मुक्तिबोध, बेपात्र। अब एक बात बताना कि जो बेपात्र व्यक्ति होगा उसको मुक्ति मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, इसलिए पात्र बनो मित्रों, पात्र। तो बेपात्र किसकी रचना है, मुक्तिबोध जी की रचना है, याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछी गई बेपात्र, मुक्तिबोध जी की। दिलो दानस किसकी रचना है, तो ये कृष्णा सोपति जी की है। दिलो दानस, दिलो दानस की रचनाकार कृष्णा सोपति जी हैं, है ना। कृष्ण क्योंकि सबों सबके दिलों में क्या करते हैं, वास करते हैं, निवास करते हैं कि नहीं करते, सभी के दिलों में निवास करते हैं, हमें पता है। दिलो दानस की रचनाकार हैं कृष्णा सोपति, है ना। कृष्ण सोपति लिख गया है वहां पर, कृष्णा सोपति है। त्रियाहट किसकी रचना है, मैत्री पुष्पा की है। त्रियाहट, त्रियाहट मैत्री पुष्पा की है। राजा भोज का सपना कहानी है, तो शिव प्रसाद सितारे इंद्र, है ना। राजा भोज का सपना था कि शिव के दर्शन हो जाएं, तो राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे इंद्र, याद कर लेना। दुलाई वाली की रचना किसने की है, तो दुलाई वाली ये जो बंग महिला की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती है, बंग महिला, इनकी प्रसिद्ध रचना है। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम कहानी लेखिका कौन सी है, तो बंग महिला है। दुलाई वाली रचना किसकी है, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, तो बंग महिला की। इंदुमती कहानी की रचनाकार कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी साहब की, इंदुमती। एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी है, तो माधवराव सप्रे की। एक टोकरी भर मिट्टी। रक्षाबंधन की रचनाकार कौन है, तो कौशिक, कौशिक जी की रचना है रक्षाबंधन, याद रख लेना। रक्षाबंधन और भी है, योगी हरि की भी है, इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना, रक्षाबंधन कौशिक जी की भी है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, तो कहानी है, तो प्रेमचंद जी की है शतरंज के खिलाड़ी। और आपको पता होगा कि जो शतरंज के खिलाड़ी होते, शतरंज खेलते हैं, अपनी गोटी से बड़ा प्रेम करते हैं, करते कि नहीं, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की। इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और शंकर जी के पास तो इंद्रों का जाल बना रहता है, तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की। हार की जीत किसकी रचना है, सुदर्शन जी की है। हार की जीत के कभी दर्शन किए होंगे आप लोगों ने, नहीं किए तो कर लेना, सुदर्शन जी की, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हार की जीत, है ना। रूठी रानी कहानी के रचनाकार है चतुर्सेन शास्त्री। अब अगर किसी की रानी रूठ जाए तो चतुर व्यक्ति चतुर बनना पड़ेगा, चतुर व्यक्ति मना लेता अपनी रूठी रानी को, तो रूठी रानी चतुर्सेन शास्त्री जी की हो जाएगा। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन की रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ दोस्तों, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, ये तीन रचनाएं हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, और मात्र तीन ही रचनाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कवि है जो तीन रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, वो चंद्र शर्मा गुलेरी ही है, याद रख लेना। गुलेरी जी को बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं। चॉकलेट किसकी कहानी है, चॉकलेट, चा में आखी मात्रा लगनी थी, चॉकलेट है ना। चॉकलेट किसकी कहानी है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। और चॉकलेट के लिए आपने देखा होगा बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं चॉकलेट के लिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो उग्र हो जाते हैं कि नहीं, हो जाते होंगे, चॉकलेट उग्र जी की। कानों में कंगना के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। राधिका, राधिका के जो कानों में क्या, कंगना, कानों में कंगना, राधिका रमण सिंह। कब्बे और काला पानी किसकी रचना है, तो निर्मल वर्मा की है। अगर आपको काले पानी की सजा हो जाए तो आपको बड़ा निर्मल बनना पड़ेगा, नहीं तो इतनी सजा, इतने डंडे पड़ते हैं कि क्या बताएं। पहले जब अंग्रेजों के समय में काले पानी की सजा होती थी, तो इसलिए कब्बे और काले पानी, निर्मल वर्मा। सावित्री नंबर दो किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती जी की है, दोस्तों याद रख लेना। सती सावित्री बड़ी धर्म धार्मिक होती हैं, सती सावित्री आपने पढ़ा होगा, सती सावित्री, सती सावित्री हैं। अपन घर में बोलते तुम तो बड़ी सती सावित्री हो, ऐसे बोलते हैं, तो सती सावित्री जो होगी वो धर्मवीर होंगी, इस प्रकार से। तो धर्मवीर भारती सावित्री नंबर दो
याद भी कर लेंगे। कुछ आप याद करें, कुछ हम याद करवाएं दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि कितनी रचनाएं आपको याद हुई हैं और ये वीडियो कैसा लगा है आपको। और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं। और इससे पहले दो पार्ट इसके डल चुके हैं, 500 का हमारा टारगेट है, 500 रचनाएं हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध करवाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो रचनाएं याद करवाएंगे आपको। कुछ रचनाएं जिनकी ट्रक निकलती है उनकी हम बताने का प्रयास करते हैं, आपको याद हो जाए यही हमारा प्रयास रहता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर जरूर किया करें। PDF भी लिंक में उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वो भी डाउनलोड कर लेना। PDF भी अपने मित्रों तक शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी रचनाएं याद हो जाएं। वीडियो भी शेयर कर देना, जो आपको अच्छा लगे वो शेयर कर देना, क्योंकि अब आपकी मर्जी है जो आपको शेयर करना हो। मैं तो कहता हूं कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है। और आगे आने वाले दो पार्ट और होंगे इसके, तो इस प्रकार से हमारे 5 पार्ट होंगे रचनाओं के, 500 रचनाएं होंगी हिंदी की। बहुत ही ये रचनाएं हैं जो नाटक, उपन्यास, आत्मकथा सभी का मिश्रण इसमें किया गया है दोस्तों। तो आप लोग बड़े समझदार हैं और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।